स्कूल के अंदर जो पढ़ाई लिखाई होती है उसका लेवल तो कुछ खास होता नहीं और वो एन भी ढंग से नहीं पढ़ाते सुबह स्कूल में निकल जाती थी और शाम को सब स्टैंडर्ड घटिया कोचिंग में निकल जाती है कुछ टाइम के बाद मुझे कोचिंग से भी निकाल दिया एक चेक उन्होंने मुझे याद है पचास हज़ार रुपये का काटा फिर अगले महीने की पहली तरीक़ का तेईस हज़ार रुपये का फिर उससे अगले महीने की पहली तरीक़ का बाईस हज़ार रुपये का मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया कोचिंग जाना बंद कर दिया मैंने उस टाइम पर सारी प्रपरेशन का स्टेयरिंग अपने हाथ में पकड़ लिया अब मैं डिसाइड करूँगा क्या होगा कितना भी बुरा एग्ज़ाम जाए मेरा आई आई टी डेली कन्फर्म है आई आई टी किसी भी नॉर्मल एक एस्पेरेंट को अनअप्रोचेबल सा लगता है कोई बच्चा अपने घर में बड़ा होता है पढ़ रहा होता है पढ़ के उसको एक आई आई टी के बारे में बताया जाता है कि आई आई टी बहुत बड़ी चीज़ होती है और वहाँ पर पहुँचने वाले लोग ऐसी ऐसी बुलंदियों को छू चुके हैं तो बंदा सोचता है कि यार ये एक अनअप्रोचेबल अनरीचेबल चीज़ है और लोग तैयारी तो सब करते हैं पर क्रैक तो कुछ ही लोग करते हैं तो ऐसे ही मेरी भी प्रिपरेशन थी मैं हूँ निशान जंदल मैंने 2016 में जई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी और ये काम मैंने आखिरी के चार महीनों की प्रिपरेशन से ही किया अभी मैं एक आंतरिक न्योर हूँ और एक फिनटेक स्टार्टअप बना रहा हूँ जिसका नाम है जम्बो जीतो मेरी स्टोरी शुरू होती है मेरे फादर से जब मैं पैदा हुआ था मेरे फादर की एक किराने की दुकान थी छोटी सी और उन्होंने मतलब अपना बेस्ट करने की कोशिश की कि अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में डालें और उन्होंने 2004 में तब मेरी फीस हुआ करती थी, थी स्कूल की सत्रह सौ बाद मेरे फादर के लिए या जिस सराउंडिंग में वो रहते रहे 2004 में ये बहुत बड़ी बात थी और उनको था कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है मैं स्कूल में जब पढ़ता रहा तो मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आती थी इंग्लिश समझ में नहीं आती थी जो टेस्ट में प्रश्न होते थे उसमें लिखा होता था वट और फिर आगे और भी चीज़ें लिखी होती थी और मुझे वट के आगे वट का मतलब क्या पता था उसके आगे क्या था मुझे पता भी नहीं होता था पर धीरे धीरे मैं भी थोड़ा बहुत सीखा पर फिर भी मैं स्कूल में कभी एडजस्ट ढंग से नहीं हो पाया मेरी पढ़ाई को लेकर मेरे फादर बहुत एंथुजियास्टिक थे तो जब भी मैं किसी एग्ज़ाम के बारे में बताता कि ये कोई एन एस हो रहा है या स्कूल में कोई कोई आए थे वो अपना एग्ज़ाम करवा रहे हैं या एक सातवीं क्लास में आर आई एम सी के नाम से एग्ज़ाम होता था तो ये सब एग्ज़ाम्स जब भी मैं इनका नाम लेता था तो मेरे फादर बड़े एंथोजाज़म से कहते रहे हाँ भर दे फॉर्म और ये ले फीस तो मैं करता था पर मतलब मेरे से कुछ क्रैक नहीं होता था इतने टाइम तक सेल्फलेस एफ़र्ट्स करने के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं आते रहे तो कई बार मेरे फादर डिसअपॉइंट भी होते रहे एनुअल डे होता रहा स्कूल में उसमें बहुत बच्चों को अवार्ड्स मिलते रहे और उनके नाम स्टेज पे बोले जाते रहे पर मेरे फादर ने एक बार मेरे को बोला कि यार मैं बैठा रहता हूँ और तेरे नाम का वेट करता रहता हूँ पर मेरे कान तरस जाते हैं और तेरा नाम सुना ही नहीं देता तो ऐसी बातें मेरे को थोड़ा लगती थी कि यार मुझे भी एफर्ट तो मारना चाहिए कामयाब हूँ ना हो हुन, कब तक ये आ, अपना टाइम यू ही वेस्ट करता रहूँगा कभी टेलीविजन देखना कभी खेल कूद फजूल का करना ऐसे करते करते 2014 आ गया दसवीं के पेपर दिए मैंने मुझे अभी तक भी जेई एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता था बचपन में इतना बहुत सुना था कि आईआईटी होता है और बड़े अच्छे कॉलेज होते हैं बस और कॉलेज ही तो है कोई ख़ास चीज़ मतलब ऐसा ठीक है भाई बहुत लोग उसके साथ तैयारी कर रहे हैं पर जितना मैग्नीटूड जो आई चीज़ है मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या होता है उसका एग्ज़ाम कितना कठिन होता है उसके लिए पी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं मुझे ये भी नहीं पता था तो मुझे ग्यारहवीं में मतलब दसवीं जब पास हुई तब ग्यारहवीं में क्या लेना था वो सोचते सोचते मुझे पता चला कि आई आई टी की तैयारी करनी है चलो करते हैं अब सबसे ऑब्वियस चीज़ है बंदा जब जेई की प्रिपरेशन करने की सोचता है मैं दिल्ली में रहता था तो हमने कहा चलो कोचिंग ज्वाइन करते हैं और किसी ने रेकमेंड किया हम कोचिंग चले गए पंजाबी बाग में मैं कोचिंग लेता था और कोचिंग में ना दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं एक होते हैं रैंकर्स और एक होते हैं बैंकर्स तो रैंकर्स वो लोग होते हैं जो पहले से ही मेधावी छात्र होते हैं और उनको पहले से ही राइट right गाइडेंस मिली होती है तो कुछ सिलेबस वो जेई का ऑलरेडी कर चुके होते हैं और जब वो दसवीं में रहे होते हैं तो वो ग्यारहवीं बारहवीं के लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं जब वो आठवीं में होते हैं तो नौवीं दसवीं ख़त्म कर चुके होते हैं तो इस तरह के लोगों को रैंकर्स कहते हैं वो और इनके लिए स्पेशल बैचेज़ होते हैं अब जो रिज़ल्ट हम विज्ञापनों में देखते हैं वो उन रैंकर्स के रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को देखकर हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं पर वो जो रिजल्ट्स आए हैं वो आए होते हैं रैंकर्स को मिली फैसिलिटीज़ और सपोर्ट की वजह से अब हम कोचिंग जब जाते हैं तो हमको एक नॉर्मल रेगुलर बैच में डाल दिया जाता है जहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसका लेवल नहीं होता टीचर्स के पास एक्सपर्टीज नहीं होती एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा आसान आते हैं जो कि एग्ज़ाम के लेवल जो एग्ज़ाम यानी असल एग्जाम है जे ई या जेई मेंस उसके आसपास भी नहीं होते और ये बात बच्चों को पता भी नहीं होती क्योंकि इसके बारे में इंफॉमेसन कुछ खास है नहीं तो मैं भी ऐसे ही उस धोखे में रहा और क्लास में जो पढ़ाया जाता रहा वो पढ़ लेता रहा और टेस्ट दे देता रहा कुछ टाइम बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने लगा तो मुझे डर लग गया मैंने कहा कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये चैप्टर तो मैंने कोचिंग के हिसाब से कर रखे हैं मेरे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे इनके जब क्वेश्चन अभी हो नहीं रहे अभी क्वाड्रेटिक पढ़ लिया तो आगे क्या हो जाएगा कैसे हो जाएंगे नहीं होंगे आगे भी नहीं होंगे जैसा चल रहा है अगर वैसा चलता रहेगा तो और यही चीज़ों का होश आता रहा मेरे को पता चलता रहा कि यार अभी हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बोगस है वो खोखली है उसका कोई मायने नहीं है अभी हम धोखे में रहना स्वीकार कर सकते हैं पर आखिर में जेई क्रैक नहीं होगा ऐसी प्रिपरेशन से पर सही प्रिपरेशन क्या होती है वो भी नहीं पता थी ऐसे यही सोचते सोचते टाइम बीतता चला गया और मेरे को एक प्रॉब्लम और थी कि मैं एक रेगुलर स्कूल जाता रहा जानकारी के अभाव में स्टूडेंट को पता नहीं होता कि क्या करना है मेरा एक दोस्त था जो मुझे कहता रहता था जिंदल डमी जॉइन कर ले अब मेरे जो कुछ नज़दीक सीनियर रहते थे उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ऐसा मत करियो रेगुलर स्कूल जाओ वहाँ पर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आप स्कूल में भी पढ़ोगे कोचिंग में भी पढ़ोगे डबल डबल रिवीजन होगी स्कूल के टीचर से आप डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड सो वन और मैंने उनकी बात मान के स्कूल ज्वाइन कर लिया अब स्कूल के अंदर जो पढ़ाई दिखाई होती है उसका लेवल तो कुछ खास होता नहीं और वो एन भी ढंग से नहीं पढ़ाते पर चलो जब तक टीचर्स किताब के शब्द बोलते रहते तब तक ठीक है पर जैसे ही वो अपनी एक्सप्लेनेशन निकालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत गलत कॉन्सेप्ट उगलते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट बिगड़ते हैं और ये भी एक प्रॉब्लम थी जिससे मैं जूझ रहा था जब मुझे पता चला कि स्कूल में हो रहे अकेडमिक्स की कोई वैल्यू नहीं है मैंने स्कूल जाना कम किया पर जैसे ही स्कूल जाना कम किया मेरे को टीचर से धमकी आने लग गई कि बोर्ड के लिए आपको सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस होनी ज़रूरी है पर आपकी तो नाइन्टी फाइव होनी चाहिए और ये और वो और वो कहते रहे हम आपको बारहवीं में नंबर नहीं देंगे तुम्हारे नंबर मेरे हाथ में है मैं उस टाइम पर सोलह साल का था बल्कि ग्यारहवीं में तो पंद्रह साल का था और मैं बहुत डर जाता रहा ऐसी बातें सुनकर तो इसलिए सुबह मेरी स्कूल में जाना ही पड़ता रहा मुझे तो सुबह स्कूल में निकल जाती रही और शाम को सब स्टैंडर्ड घटिया कोचिंग में निकल जाती रही और ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता रहा यानी रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन तो गलत ही है पर कुछ कर भी नहीं सकते और करने का टाइम भी नहीं है और पता भी नहीं क्या करना है ऐसी सिचुएशन थी ग्यारहवीं बीत गई अब बारहवीं की शुरुआत होती है मैंने सोचा ग्यारहवीं में जितना भी नुकसान हुआ हो गया पर अब मैं बारहवीं को बेस्ट तरीके से करूँगा एक नई शुरुआत समझ के फुल एंथुजियाज़म के साथ मैं उस टाइम पर थैंकफुली मेरे टीचर्स जो मुझे कोचिंग में मिले थे बहुत अच्छे थे बैच थोड़ा बड़ा था पर टीचर्स बहुत अच्छे थे मैं उन टीचर्स के पास गया मैंने पूछा कि सर मुझे कौन कौन से चैप्टर हैं जो प्री हैं कि ग्यारहवीं के वो टॉपिक आते नहीं तो मैं बारहवीं के कर ही नहीं पाऊँगा वो टॉपिक्स मैंने किसी तरह कच्चे पक्के लेवल पर सीख लिए और बारहवीं में पढ़ने लग गया उन टीचर से तो शुरुआत ठीक थी शुरुआत में स्कूल में भी उतना वर्कलोड नहीं था पर प्रॉब्लम यही थी कि क्योंकि मैं सुबह स्कूल जाता था और शाम को कोचिंग और इसी में दिन ख़त्म हो जाता था तो मेरे पास कोई टाइम बचता ही नहीं था सेल्फ स्टडी के लिए एक बात बता दूँ कितनी भी कोचिंग पढ़ लो कितनी भी लेक्चर देख लो कुछ भी कर लो अगर आप अकेले बैठकर कागज के सामने प्रश्नों के सामने आप वो प्रश्न के साथ समय नहीं बिता रहे आप चाहे 2000 साल तक भी लेक्चर देखते रहो आपका जे ही नहीं कराया हो सकता आपको बैठकर सिर्फ आप और सामने कागज पे प्रश्न उसके साथ आपको मैक्सिमम टाइम अपनी प्रिपरेशन का बिताना पड़ेगा वो छोटा हिस्सा नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग वो मैक्सिमम हिस्सा है सत्तर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हो प्रिपरेशन बीतनी चाहिए नहीं तो सच बता रहा हूँ बोगस है कोई पॉइंट नहीं है अगर आपको फिर अगर आपको वैसी प्रिपरेशन करनी है तो फिर आईआईटी क्रैक करना है इस फ्रेज़ को आपके भले गले कह रहा हूँ अपनी डिक्शनरी से निकाल दो क्योंकि नहीं होगा हम धोखे वाली खोखली प्रिपरेशन करेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे आईआईटी हो जाएगा तो फिर निराशा मिलेगी हमको यही करना पड़ेगा टफ़ क्वेश्चन के साथ अपना सत्तर अस्सी टाइम स्पेंड करना तो अभी मैं वापस आता हूँ स्टोरी पर सुबह स्कूल शाम को कोचिंग दिन ख़त्म कोई ऐसा हो ही नहीं रहा था कुछ कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस लाइक प्रिपरेशन हो जाए फिर धीरे धीरे स्कूल से फिर से वो थ्रेट चालू हो गए ऐसे ही वक्त बीतने लग गया कोचिंग में अभी तक ठीक चल रहा था पर कुछ टाइम के बाद मुझे कोचिंग से भी निकाल दिया क्योंकि यार उस टाइम पर एक पैरलरी मेरी फैमिली में प्रॉब्लम ये चल रही थी कि मेरे फादर को रोमोटाइड अर्थराइटिस था तो मेरे पापा ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे और बहुत बीमार रहते थे मेरी कोचिंग से मेरे को आया कि तुम्हारी जो है इतनी नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ फ़ीस बकाया तो उन्होंने मेरे को क्लास के बीच में से ही निकाल दिया तो मैंने ये बात अपने पापा को बताया उस दिन घर गया मैं स्कूटी पर मैंने पापा को बोला तो पापा एकदम से उठ खड़े हुए मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को लगता नहीं है कि कोचिंग क्योंकि इतनी सब स्टैंडर्ड है तो यहाँ पढ़ के कोई फायदा है तो फालतू में पैसे डाल रहे हैं अच्छा अच्छा मैं छोड़ो घर पर पढ़ लेता हूँ मुझे उसमें वो भी मिल रहा था कि यार घर बैठ के टाइम होगा फ्रीडम होगी पढ़ लूँगा पर मेरे फादर ने एक बात कही जिसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाया निशब्द हो गया उन्होंने कहा कि अभी पैसे की बात है पैसे मैं कहीं से भी ले आऊँगा बट मुझे ये नहीं सुनना कि यार मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे और इस वजह से कुछ कर नहीं पाया मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरे को एक जो अब जो शायद सातवीं आठवीं क्लास में जब ऐसी बात मैंने सुनी थी तब मेरे में वो मेचोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पर शायद वो बारहवीं क्लास में जब मैंने सुना तो मुझे समझ में आया कि यार ये कोई मजाक हंसी मजाक नहीं चल रहा अब हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे को पुश करते हैं ये करते हैं आपको पता है जब वो हमारे टाइम पर थे तब उनके उन्होंने कितना संघर्ष किया अब हम कहते हैं कि हम बच्चों की तरह जब जब तक हम बच्चों की तरह छोटे बच्चों की तरह सोचते रहेंगे तो हमें लगेगा कि पेरेंट्स हमारे को पुश कर रहे हैं प्रेशराइज कर रहे हैं जैसे ही हम एक मेचोरिटी हमें हिट करती है हमें यह समझ में आता है कि यार हमें तो अपना जीवन बनाना है अपना करियर बनाना है और उसके लिए पेरेंट्स बस हमारे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझाना चाह रहे हैं उसके लिए शायद ऐसी बात बोलते हैं वो तो मेरे को वहाँ पर वो समझ में आया कि हंसी मजाक नहीं है यहाँ पर बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है और बहुत बड़ा चेंज जो मैं अपने जीवन में ला सकता हूँ वो लाने का ये मौका है तो अब उस टाइम पर मेरे को तो कोचिंग में सच बताऊँ कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी पर मेरे पापा ने फिर भी उनको जाके चेक्स काट के दिए एक चेक उन्होंने मुझे याद है पचास हज़ार रुपये का काटा फिर अगले महीने की पहली तरीक़ का तेईस हज़ार रुपये का फिर उससे अगले महीने की पहली तरीक़ का बाईस हज़ार रुपये का चेक काटा फिर वो जाके मनी लेंडर से पैसे लेके आए और बैंक में डाले तो तब मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया और अब मेरे को पढ़ना है तो मैंने सोचा अब मुझे बहुत सारे टफ़ डिसीजनस लेने होंगे मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया कोचिंग जाना बंद कर दिया मैंने सारी प्रिपरेशन अपने हाथ में ले ली हम हमेशा मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये देखता हूँ वो क्या करते हैं कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली फॉलो योर कोचिंग या ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ मैं इसको और उसको जब भी आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने जाते हो चाहे वो कोचिंग हो चाहे टीचर हो चाहे कोई भी कोर्स हो आप कह रहे हो कि आप मेरी प्रिपरेशन करवा दो मेरा सिलेक्शन आप करवा दो नहीं करवाएगा कोई अगर आप ऐसे एटीट्यूड से जाओगे भी तो आपको एंड में सिर्फ निराशा मिलेगी प्रिपरेशन तो अपने हाथ में ही लेनी पड़ेगी ये कोर्सेज कोचिंग क्लासेज लेक्चर्स ये जो कुछ भी आप करते हो नोट्स जो भी आप पढ़ते हो ये सब आपकी सहायक चीज़ें हैं असल में फाइनल स्टडी जो है वो सेल्फ़ स्टडी होती है आपको अकेले बैठ कर कहने का मतलब है कि आप कुछ भी देख लो आप जिम जाने की वीडियोज़ देख लो व्लॉग्स देख लो टेक्निक सीख लो पर जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तो आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी एंड यही बात जेई में है कि एक्चुअल में आपको सेल्फ ही कुछ करना पड़ेगा मैंने उस टाइम पर सारी प्रिपरेशन का स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ लिया अब मैं डिसाइड करूँगा क्या होगा स्कूल नहीं जा रहा कोचिंग नहीं जा रहा तो सुबह से लेकर रात तक सारे दिन का मालिक मैं हूँ अब मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी मैंने जो जेई की अब यार डेढ़ साल जो मैंने इतने धक्के खाए थे मैंने कुछ कोशिशें की थी बल्कि मैंने मैं गाइडेंस भी लेता रहता था लोगों से जो टॉप बैच के बच्चे हुआ करते ना मैं कई बार उनसे भी पूछ लेता था कि भाई कौन सी किताब पढ़े कई बार मुझे मेट्रो स्टेशन पर या चाय की दुकान पर वहाँ पर कोचिंग्स के पास दूसरे कोचिंग के भी टीचर मिलते थे ना मैं उनसे भी पूछ लेता था और ये लेट इतना हो गया था कि यार होपलेसनेस बहुत थी इस टाइम पर कि भाई अब क्रैक नहीं हो सकता जी क्योंकि इस टाइम तक तो जो टॉप बैचेस के स्टूडेंट थे वो जो कई बार अपना प्रिपरेशन रिवाइज कर चुके होते हैं अब तो प्रिपरेशन वाइंड अप करने का टाइम है खत्म करने का टाइम है अभी शुरू करने का टाइम कैसे हो सकता है इनफैक्ट ये बात अभी जो मैं कर रहा हूँ सितंबर की कर रहा हूँ नवंबर में टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी तो टेस्ट सीरीज के साथ हमें कुछ पाँच क्लासेज भी मिली थी जिसमें टीचर से डाउट सॉल्विंग करवा सकते थे तो मैं टीचर के पास गया केमिस्ट्री के मैंने कहा सर मुझे बता दो कि केमिस्ट्री कैसे पढ़े वो कहते हैं ये सवाल पूछने का टाइम थोड़ी है इस टाइम पर तुम तुम्हें जो आता है वो पढ़ो नया कुछ कैसे पढ़ पाओगे अब कुछ नहीं बचा अब कोई किताब खरीद के थोड़ी पढ़ोगे तो मुझे बार बार हर चीज़ में यही चीज़ याद आती रहती थी, थी कि अब बहुत लेट हो चुका है पर मैंने कहा यार जो भी हुआ है होने दो हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे फाइट ज़रूर मारेंगे मैंने प्लान चेंज किया एक तो ये कि पूरे दिन पढ़ेंगे दूसरा कि यार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे पीछे भी देखता आया था और मेरी एक बहुत अच्छी आदत और थी कि चाहे कुछ आता है चाहे नहीं आता मैं मॉक टेस्ट जरूर दिया करता था और कोचिंग के टेस्ट उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे तो मैंने कई बार और जो मॉक टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर पेपर है इनफैक्ट मैं 2016 में क्योंकि मैंने जेई दिया था तो 2015 का जेई एडवास्ड का जो पेपर था मैंने वो भी दिया था और वो तब तक का इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था जेई एडवांस का मैंने वो पेपर जो है दिया और मेरे को समझ में आया कि यार मुझे किस लेवल पे पढ़ाई करनी है तो मैंने देख लिया यार कि अब अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि 2015 जैसा पेपर करने लायक हो जाऊँ मैं और मैंने उसको करने की स्ट्रेटजी खुद बनाई कि यार ये पेपर ना इतने मुश्किल क्वेश्चन है कि कोई नहीं कर सकता इनको बहुत ही कम लोग कर सकते हैं अब बात यह है कि किसी ने भी फुल मार्क्स या बहुत बड़ी परसेंटेज स्कोर की ही नहीं है लोग बहुत कम कम स्कोर करते हैं जयी एडवांस्ड में मेरे खुद के टू रैंक थी मेरी और जय देते हैं करीब बारह तेरह लाख लोग मतलब मेरी ढाई सौ रैंक के आसपास है मेरे साठ परसेंट नंबर थे जय एडवांस्ड तो जय एडवास्ड इतना लो स्कोरिंग एग्जाम है तो मैंने कहा कि यार ये बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट पेपर है एक तो इसमें स्कोर लो है ऊपर से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कॉर्डिनेट जोमेट्री वैक्टर थ्री डी डिटर्मिनेंट मीट्र ये सब फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स फिर इलेक्ट्रोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स ये सब इजी पार्ट्स हो जाते हैं और केमिस्ट्री पे कमांड अत्यधिक आवश्यक है इनफैक्ट अनिवार्य है केमिस्ट्री करके केमिस्ट्री में अगर आप कमज़ोर हो अब तक मैं बहुत ही कमज़ोर था अगर केमिस्ट्री में आप कमज़ोर हैं तो आप जेई क्रैक बहुत ही मुश्किल से कर पाओगे क्योंकि वो जो नंबर आप केमिस्ट्री में आसानी से लाते अब वो नंबर आपको मैथ्स में लाने पड़ेंगे और मैथ्स जेई में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मैथ्स को अपने इशारों में नचा सकता है जेई की एडवांस्ड की मैथ्स बहुत 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 कठिन है ये जितने भी स्कोरिंग चीज़ें थी मैंने देखा इन पर भी अगर फोकस कर लिया जाए तो आराम से अस्सी परसेंट क्वेश्चन करने लायक सिलेबस मुझे आ जाएगा प्लस मैंने अपना टाइम टेबल इस तरह कर लिया कि मैं सुबह उठता रहा सात बजे और रात को सोता रहा करीब एक बजे और मैं पूरे दिन पढ़ता रहता रहा मतलब सिंपल स्कड्यूल यह था वेकअप स्टडी ईट स्लीप रिपीट और सुबह उठ के मैं छः सात घंटे पहले मैथ्स पढ़ता रहा उसके बाद मैं लंच वगैरह करके और मैं दोपहर को नहाता रहा कि मतलब मेरा उस टाइम पर ऐसे माइंड था वैसे आज मैं ऐसा नहीं करता पर उस टाइम पर ऐसा माइंड था कि यार चलो दोपहर को एक बार नहा लेते हैं जब तो फिर से फ़्रेश हो जाता है फिर से एक बार और हम ऐसा लगता है हमें कि सुबह हो गई और मैं फिर से और ज़रा पढ़ता रहा तो मैंने उसके बाद फिज़िक्स पढ़ता रहा पूरी शाम तक और एंड में मैं केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री ये सब चीज़ें पढ़ता रहा और ऐसे करके मैं हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ पढ़ता रहा अपटेल फोर ऐसे करके मैं देखता हूँ कि मेरा मेजोरिटी ऑफ जई सिलेबस कम्प्लीट हो चुका था इन चार महीनों में टाइम बचाने के लिए एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से करी मैं क्या करता रहा मैं अगर कोई चीज़ पढ़ रहा होता रहा तो कई बार उसके सिर्फ हेडिंग्स लिख लिया करता रहा मेरा मानना है कि यार आपने अगर कोई चीज़ बहुत ढंग से पढ़ी है ना तो आपको पूरी चीज़ सिर्फ हेडिंग देख के याद आ जाने आ जानी चाहिए और हेडिंग के नीचे अगर जो चीज़ है वो आपको नहीं याद आ रही तो हो सकता है भूल गए हो दस में से एक बार बंदा भूल भी जाता है तो वहाँ पर बुक तो है ही मेरे पास मैं बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा तो बुक में जाके कभी मुझे दिक्कत आती रही मैं वहाँ से पढ़ लेता था और इससे मेरा बहुत टाइम बचा उसके अलावा मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज़ करता रहा जिसको मैं कहता हूँ कोरा कागज़ टेस्ट कोरा कागज़ टेस्ट क्या होता है कि मैंने जो भी पढ़ा है मैं हेडिंग लिखता रहा कागज़ पर बिल्कुल ब्लैंक पेपर ए फोर चीट और उस पर मैं वो पूरी चीज़ लिख के दिखाता रहा ए टू जेड और ये भी देखता रहा उसमें कोई कमी छूट गई क्योंकि क्या होता है जब आपने किताब बंद कर दी और आप अगेन वही वापस आऊँगा मैं हूँ और सामने कागज़ है क्योंकि एक्चुअल में सोचो एग्ज़ाम सेंटर में और क्या होगा मैं हूँगा और कागज़ होगा कोई वीडियो नहीं कोई नोट्स नहीं कुछ नहीं मैं और कोरा कागज़ तो मैं कोरे कागज़ पर वो सारी चीज़ वो कॉन्सेप्ट लिखता रहा पूरा उसमें कहीं अटकता रहा तो मेरे को पता चल जाता रहा मेरी टेक्निक में कुछ कमी है और उसके बाद मैं कई बार क्या करता रहा उस कोरे कागज़ को फाड़ देता रहा मुझे ऐसा लगता रहा कि यार जो बंदा ना नोट्स में लिखता रहता है क्या होता रहा कि एक, एक ना एक डिज़ीज़ है कि हमको जब लगता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं या हम नोट्स में लिख लेते हैं तो क्या होता है नोट्स में लिख लिया मैं इसको याद नहीं करता क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है इसको मैं अच्छे से याद करूँगा बाद में तो प्रोक्रेस्टिनेट हो गया और वो कभी याद नहीं होता तो क्योंकि मेरा नोट्स में लिखा है मैं कर ही लूँगा बाद में वो बाद कभी आता नहीं है तो मैं इसीलिए अपने आप को वो बात याद दिलाने के लिए मैं वो नोट्स फाड़ देता था और ऐसे करके चार महीने बीते चार महीने के बाद मेरे को याद आया कि यार जनवरी का महीना आ गया स्कूल भी कोई चीज़ है मार्च में तो बोर्ड जाते हैं मैं स्कूल में गया उस बिल्डिंग के अंदर मैं जैसे ही गया कोई मेरे को क्लास में दिखा नहीं मैं केमिस्ट्री लैब में गया उस दिन मेरे को पता चला कि आज केमिस्ट्री का मॉक प्रैक्टिकल है तो फिर मुझे वो बाकी सारी बातें याद आ गई कि यार पिछले चार महीने मैंने दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स का इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट किया इतने मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व किए और अब जाके मुझे फिर से वही सब भयंकर मजदूरियाँ करनी पड़ेंगी टीचर्स ने बोला तुम्हें फाइल बनानी पड़ेगी तुम्हें प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे और वो प्रैक्टिकल्स भी कोई वैसा प्रैक्टिकल नहीं कि प्रैक्टिकल नॉलेज वाला वो सब फॉर्मेलिटी है तो फिर मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ा जनवरी का जो आधा सेकेंड हाफ़ था जनवरी का जो सेकेंड हाफ़ था वो इसमें ख़त्म हो गया उसके बाद फरवरी में भी बल्कि जो पहले दस दिन प्रैक्टिकल्स में चले गए उसके बाद अगले बीस दिन थोड़ा बहुत बोर्ड्स की तैयारी करने में निकल गया मार्च में बोर्ड्स ही हुए और जैसे ही मार्च ख़त्म हुआ अप्रैल आ गया अप्रैल में जई मीन्स था उसके बाद मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला अब मेरे टाइम पर एक ही अटैम्प्ट होता था अप्रैल वाला अटैम्प्ट मैंने उसमें जई मींस दिया जई मेन्स पहला डेढ़ घंटा बड़ा अच्छा गया और उसमें मैंने मैथ्स को पचास मिनट में निपटा दिया और केमिस्ट्री को करीब पच्चीस तीस मिनट में निपटा दिया कुल मिला के डेढ़ घंटा लग गया था उसके बाद डेढ़ घंटा मेरे पास फ़िज़िक्स के लिए बचा था पर पता नहीं क्यों कि मैंने बहुत टाइम से फिजिक्स को टच नहीं किया था तो मेरी फिजिक्स बहुत ख़राब हुई एग्ज़ाम के अंदर और मेरे टू फिफ्टी फोर मार्क्स आए तीन सौ साठ में फिर जेई मेन्स और जेई एडवांस के बीच में पचास दिन बचे थे उन पचास दिन में मैं बड़ा हताश हो गया क्योंकि जेई मेन्स मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया था और मेरे को लग रहा था कि पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग गया क़रीब एक महीना मैंने बर्बाद कर दिया मैं क्रिकेट खेलने जाता था मूवीज़ देखता रहता था और ख़ूब टाइम वेस्ट किया तो फिर मेरे को यार फिर से हुआ कि यार ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन ख़राब है हुआ यह है कि इतने टाइम तक मैं प्रिपेयर कर रहा था और उसके बाद में ये जो बोर्ड्स आए प्रैक्टिकल्स हुए इन सब चीज़ों ने मेरा फ़्लो तोड़ दिया और अब वो फ़्लो वापस नहीं आ रहा कोई बात नहीं अब जो होना था हो गया अभी बीस दिन बचे हैं इनमें मैंने जो इतनी मेहनत करी है मैं उसको सिर्फ ब्रशअप कर लेता हूँ इसको एक बार मन में वो कॉन्सेप्ट ज़िंदा तो हो जाए कहीं ये ना हो कि जो इतनी मेहनत कर रखी है लास्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आए और मेरे मन में वो कॉन्सेप्ट धुंधला हो इस वजह से मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ना हो मैंने बीस दिन उस हिसाब से रिविजन की कुछ मॉक टेस्ट दिए और अपनी प्रपरेशन में ऑल थ्रू मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए क्योंकि मॉक टेस्ट को मैं अपना मेंटर समझता था मॉक टेस्ट में जो भी कमी दिखती थी मैं उसको अपनी प्रपरेशन में जा करेक्ट करता था कुछ भी दिक्कत लगती रही तो मैं कहता रहा मुझे अपनी टेक्निक में चेंज करने की ज़रूरत है मैंने बीच में मॉक टेस्ट दिए फाइनली जी एडवांस का दिन आया तो पेपर दो हज़ार सोलह का इतिहास का आज तक का भी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था मैंने वो दिया और मुझे पेपर देख के लगा कि यार ये पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ़ है या तो मेरे को दिक्कत हो रही है या सच में टफ़ है फिर मैंने ख़ुद को बताया कि नहीं अगर कोई चीज़ मेरे लिए टफ़ है तो वो सबके लिए टफ़ है और ये कम्पटिटिव एग्ज़ाम है तो मुझे बस इसमें और होश रख के काम रह के जितने क्वेश्चन कर सकता हूँ कर लेता हूँ और बहुत ही कम स्कोर करके आया हूँ बहुत ही कम अटैम्प्ट करके आया और मुझे लग रहा था काफ़ी कम अटैम्प्ट है पर मुझे ये पता था कि जय एडवास्ट में सिलेक्शन तो हो जाता है अच्छा खासा अटैम्प्ट अगर आपने ढंग से किया है तो और बाहर आया मैं मैंने पापा को बोला कि इनफैक्ट जब मैं सेंटर के अंदर जा रहा था मुझे तभी पता था कि कितना भी बुरा एग्ज़ाम जाए मेरा आई आई टी डेली कन्फर्म है पापा मेरे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वेट कर रहे थे मैंने उनको बोला पेपर ठीक ठाक चला गया सिलेक्शन तो हो ही जाएगा फिर आखिर में आ, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि यार ये पेपर सच में सब के लिए टफ था और इतना टफ़ पेपर उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे जितने नंबर हैं नंबर मिल जाते हैं पता चल जाते हैं तो नंबर मेरे साठ परसेंट के आसपास थे इतने पे शायद हज़ार रैंक आ जाएगी फिर कोई और कहने लग गया कि सात सौ आ जाएगी फिर वो जो रैंक प्रेडिक्टर्स आते हैं वैसे उन पर इतना भरोसा मत करना पर फिर भी रैंक प्रेडिक्टर्स में एक ने बोला साढ़े चार सौ रैंक आ सकती है एक ने बोला कि तीन सौ रैंक आ सकती है तो फाइनली जे एडवांस की साइट पर मेरी रैंक टू फोटी सेवन आई ये नंबर बहुत स्पेशल है क्योंकि ये उस टाइम की मेरी ट्वेंटी फोर सेवन डेडिकेशन को दर्शाता है बाकी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो स्टॉक्स प्लेटफॉर्म का जिसने मुझे मौका दिया अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट